हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फाइनली अब मैं जा रही हूँ शादी में, तो उसके लिए अब मुझे मेरी पैकिंग स्टार्ट करनी है। संडे को मेरा ट्रेन है और आज मुझे गले में खराश भी हो रही है। संडे को ट्रेन है मेरी 2 बजे, तो मैं घर से 1 बजे निकलूँगी। मेरा स्टेशन पास में है, तो मुझे अभी तक ऐसा था, पता नहीं बेटी का पैर में चोट था, मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। तो फाइनली उसका पैर अभी ठीक है, वो चल पा रही है और आज मैंने डिसाइडेड हो गया है मेरा कि मैं अब जा रही हूँ और मैं आज से अपनी पैकिंग शुरू करूँगी। आज और कल कुछ पैकिंग करूँगी, अगर आज हो गया तो आज ही पूरा कर लूँगी। तो मैंने ना कुछ शॉपिंग की है, फ्लिपकार्ट और अमेजन अमेजोन से लिया है, कुछ कुर्ता लिया है, कुर्ता सेट लिया है और एक जोमसो से लहंगा भी लिया है। ये एक कुर्ता लिया है, ये इस पे ना धागे के वर्क हैं रेड कलर से और ये मस्टर्ड येलो है, तो पहनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे मैंने कुछ 400 के आसपास लिया है और ये रेयन का मटेरियल है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे जाकर मुझे गर्मी कम लगेगी। इसमें काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए इसे लिया है मैंने। और एक लिया है, इसका ब्रांड यूनिक कुछ करके हैं, मैक्स से एक लिया है अमेजोन से, मैक्स से एक ये कुर्ता लिया है। ये मैंने ऐसे लॉन्ग स्लीव लिए हैं 3/4 के, कि वहाँ गर्मी में मेरे हाथ वाथ काले ना पड़े और नेक भी छोटा हो, जिससे बैक में काले हो जाते हैं ना, तो ना हो। ये प्योर कॉटन है और इसे भी मैंने कुछ 400 के आसपास ही लिया, 399 या कुछ, और मुझे लग रहा कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होगा कॉटन होने के कारण, क्योंकि जब नॉर्थ में काफ़ी गर्मी इस टाइम पड़ रही है और पसीने भी होते हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा मेरे लिए। तो एक तो ये लिया है मैंने, तो इसे भी मैं लेकर जाऊंगी अभी सारे को प्रेस करके, उसके बाद मैं पैकिंग स्टार्ट करूंगी। एक ये मैंने धोती कुर्ता लिया है, दिख रहा आपको? ये आगे से ऐसे हाई है, पीछे से लो है, कुछ हाई लो पैटर्न का कुर्ता है। ये राउंड नेक है, पूरी तरह से बंद इस तरह से। ये इसके भी 3/4 स्लीव है, तो मैंने स्लीवलेस कुछ भी नहीं लिया है, हाथ वाथ काले हो जाते हैं। और ये रेयन का मटेरियल है और कुछ भारी भारी सा है और फॉइल प्रिंट किया हुआ है पूरे पे, तो मुझे लग रहा ये मेरे लिए भारी होगा और शायद गर्मी भी लग सकती है, पर पता नहीं, मैं वहाँ जाकर पहन कर देखूँगी। अगर दिन में नहीं पहन पाई तो इवनिंग टाइम में कुछ फंक्शन वगैरह हो तो उसमें पहन लूँगी। ये क्योंकि पार्टी वेयर है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है, छोटे मोटे कोई फंक्शन में पहन लूँगी। 3 या 4 शादी अटेंड करनी है मुझे। इसके साथ आई थी ये धोती है इसका, ये इस तरह से। या सामने बेल्ट है, प्लेन है और बैक में इस तरह से इलास्टिक दिए हुए हैं। धोती है तो काफ़ी खुला खुला है, तो मुझे लग रहा है इसको पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा और इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो मैं सोचूं इसे भी लेके जाऊंगी, देखती हूँ किस टाइम इसे पहन पा रही हूँ। तो ये 3 मैंने लिए हैं और एक जोमसो से लहंगा लिया है। ये लहंगा बहुत खूबसूरत है, पर ये लहंगा मैंने खुद के लिए नहीं लिया है, किसी को देने के लिए लिया है। तो
ये है वो लहंगा, काफ़ी हेवी है, दिखाती हूँ खोल कर। ये इसका कमर का हिस्सा है और ये ऑल ओवर पूरे वर्क है इस तरह से। मैं तो कैमरे में दिखा भी नहीं पा रही हूँ। इसमें ना पूरे गोल्डन थ्रेड से वर्क है और बीच बीच में ना रेशम के थ्रेड से पिंक येलो ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, और बीच बीच में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे ना स्टोन से लगे हुए हैं। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, पर ये काफ़ी शाइन कर रहे हैं। और कैनकेन भी बहुत बढ़िया सा लगा हुआ है इस तरह से, तो इसके फ्लेयर बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये है लहंगा, इसके साथ है ये ब्लाउज का पीस, ये फ्रंट में है इस तरह से फ्रंट में आएगा, और ये हुआ इसका बैक, किधर गया ये बैक का पार्ट है ये, और स्लीव में इस तरह से दिया हुआ है। इसने ऐसे बना कर रखा हुआ है डिजाइन कोल्ड शोल्डर का ये यहाँ से, तो जिसके लिए मैंने लिया उसे मैं दे दूँगी, वो अपने हिसाब से या छोटी स्लीव रखना चाहे तो यहाँ से छोटी स्लीव इतनी रख ले, या कोल्ड शोल्डर पहनना चाहे तो लंबी बाजू करके कोल्ड शोल्डर पहन ले, ये उसकी मर्जी होगी। वैसे मुझे बोला गया था कि मैं ब्लाउज भी तैयार कर दूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा ब्लाउज तैयार करूं, इसलिए मैंने रहने दिया। और एक तो ये है कि इसके जो ब्लाउज है उसका जो बैक का डिज़ाइन है वो काफ़ी छोटा है, ये इतना सा, और ये पूरा रहेगा, तो मुझे पता नहीं कि अगर मैं बना भी दूँ और उसे पसंद आए ना आए, इसलिए मैंने रहने दिया, वो खुद बनवा लेगी टेलर पे। और इसके साथ आया बहुत खूबसूरत सा ये दुपट्टा, दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत है, जो नीचे के दोनों साइड के जो किनारे हैं ना वो ऐसे हैं, पतला बॉर्डर है, और दोनों जो इस तरह रहेगा दुपट्टा वो ये है, काफ़ी हेवी और चौड़ा वर्क है दोनों साइड। क्या हुआ ना, मैंने जब अपना ग्रीन लहंगा लिया था उससे पहले मैं ये लहंगा लेना चाह रही थी, पर ऐसा कुछ हुआ कि बेटी को इससे ज़्यादा ग्रीन लहंगा पसंद है, तो उसने मुझे बोला मैं वो लहंगा ले लूँ। जब वो लहंगा लिया मैंने तो मुझे वो बहुत पसंद आ गई, और इतनी पसंद आई कि मुझे नेक्स्ट शादी में भी उसे ही पहनने का दिल किया, तो फिर मैंने इसे रहने दिया। मैंने सोचा तो उस टाइम कि दूसरी किसी शादी में मैं इसे भी ले लूँगी, पर मुझे लग रहा मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 लहंगा हो गया है, और इस बार भी मैं एक ही लहंगा लेके जा रही हूँ, बाकी 3 लहंगा मेरा रखा हुआ है। एक और ले लेती तो मेरे पास 5 लहंगा हो जाता, और मेरे घर की शादियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ये रहा, मैं लहंगा को ट्राई करके दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा। चलो फिर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।